हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिट का अगला लेक्चर। पहला नंबर लेक्चर में हम लिमिट का इंट्रोडक्शन आपको बता दिए हैं, है ना। आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, बट फिर भी जो लेक्चर 1 में थोड़ा मोड़ा जो 1 घंटा का डिस्कशन हम किए थे, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं जल्दीबाजी में, है ना, शॉर्टकट, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। और लेक्चर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। लेक्चर 1 यदि आप नहीं भी देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर 2 से आपको लेक्चर देखना ही चाहिए, तब आपको कंटिन्यूटी अच्छे से समझ में आएगा 12th का 5.1 एक्सरसाइज का, है ना, क्योंकि अभी कैलकुलस चल रहा है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिट। लिमिट में देखिए क्या होता है ना, लिमिट का मतलब किसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब लिमिटिंग पॉइंट निकालना है ना। ये सब बातें हो गई थी, इसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है ना। इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है 7 गो होता है, 0 बाय 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लिमिट के लिए। है ना, देखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है, 0 बाय 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 1 के पावर में इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के पावर में 0, 0 के पावर में 0, है ना। ये जो आप 7th फॉर्म दिख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, 0 बाय 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 1 के पावर में इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के पावर में 0 एंड 0 के पावर में 0, है ना। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाता है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है, ये 0 बाय 0 जो है ना, एग्जैक्ट 0 नहीं है, टेंस टू 0 है ना। जब पीछे वाले लेक्चर में आप जाएंगे लेक्चर नंबर 1, तो वहाँ हम मीनिंग ऑफ टेंस टू बताए हैं। मीनिंग ऑफ टेंस टू में देखिए, एक्स टेंस टू 2 का मतलब हम बताए हैं। एक्स टेंस टू 2 का मतलब होता है एक्स जो है ना 2 के बहुत ही क्लोज है, 2 से कम है या 2 से ज़्यादा है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, एक्स की जगह पर 2. आप 0.1 ले सकते हैं, 2.001 ले सकते हैं, और बहुत सारा वैल्यू लिया जा सकता है। और 2 के लेफ्ट वाले वैल्यू को भी आप यहाँ पर ले सकते हैं ना। इसका मतलब होता है एक्स टेंस टू 2। और ये जो आप यहाँ देख रहे हैं 0 बाय 0, ये एग्जैक्ट 0 बाय एग्जैक्ट 0 नहीं है, है ना। ये नहीं मान करके चलना है कि एग्जैक्ट 0 बाय एग्जैक्ट 0 है। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट चल सकता है कि एग्जैक्ट इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है, चूंकि टेंस टू इनफाइनाइट और इन इनफाइनाइट में कोई अंतर नहीं है, है ना। ये दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, इसीलिए यहाँ चलेगा। तो यहाँ लिख लीजिए, हियर 0, 1 एंड इनफाइनाइट आर टेंडिंग वैल्यू, है ना, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये टेंडिंग वैल्यू है, मतलब ये टेंस टू 0 है। डेट इज आप बोल सकते हैं टेंस टू 0, टेंस टू 1 एंड टेंस टू इनफाइनाइट। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे को जैसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में, है ना, और अभी ऐसे हिंदी मीडियम का ही ये लेक्चर बन रहा है, बट यहाँ हम इंग्लिश में लिखे हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। देखिए इनडिटर्मिनेट का हिंदी होता है अनिर्धारित, है ना, फॉर्म मतलब रूप होता है। और यहाँ जो हम लिखे हैं यार, मतलब यहाँ होता है 0, 1 एंड एंड मतलब और इनफाइनाइट आर टेंडिंग वैल्यू, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, है ना। टेंस टू का मतलब क्या, अगल बगल का वैल्यू, है ना। ये जो है ना 0 नहीं है, 0 के अगल बगल के वैल्यू को दिखाएगा, ये 1 नहीं है, 1 के अगल बगल के वैल्यू को दिखाएगा। इनफाइनाइट को तो छोड़ दीजिए, टेंस टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब मेरे को आज तक एक ही जैसा लगता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे लिमिट स्टार्ट कर रहे हैं, और जितने भी क्वेश्चंस लिमिट के रहते हैं ना, इन्हीं 7 फॉर्म पर, जब तक इस 7 फॉर्म पर नहीं रहेगा तब तक लिमिट सॉल्व नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है एक जगह, लिमिट x टेंस टू 2 x² - 4 बाय x - 2, इसका वैल्यू मेरे को निकालना है, इसका वैल्यू कैसे निकालें, है ना। तो पहले आप क्या कीजिए, फॉर्म चेक कर लीजिए। फॉर्म कैसे चेक करेंगे, यहाँ जो देख रहे हैं आप x टेंस टू 2 है, इसमें क्या कीजिए, जो आगे एक्सप्रेशन है ना, ये जो आप दिख रहा है यहाँ पर एक्सप्रेशन, इसमें क्या कीजिए, x की जगह पर 2 डाल दीजिए। जब आप 2 डालेंगे x की जगह पर, 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 माइनस 2, है ना, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 4, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 2, और 4 माइनस 4 हो जाएगा 0, और 2 माइनस 2 आ जाएगा 0,
है ना, और ये जो है ना 0/0 के फॉर्म पर आ गया। तो आपको यहाँ पर खुश हो जाना चाहिए कि इस लिमिट को हम क्या करेंगे, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब करना क्या है, देखिए इसका मेथड क्या है कि जब कभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म पर है ना, 0/0 के फॉर्म पर कोई भी फंक्शन आए है ना, तो ऊपर और नीचे वाले को क्या कीजिए, गुणनखंड कर लीजिए, जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन करना बोलते हैं। न्यूमरेटर को क्या कीजिए, गुणनखंड कर लीजिए, और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देना है ना, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटा देना है किसी भी हालत में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर बना कौन रहा है इनडिटर्मिनेट, एक्स के जगह पर आप जब टू डालते हैं, टू में से टू जाता है तो जीरो हो जाता है। तो यदि यहाँ पर एक्स माइनस टू नहीं होता है ना, तब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आसानी से हट जाता। तो इसको हटाने के लिए ऊपर वाले को क्या कीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए, और इसको लिमिट को कॉपी अभी करते जाना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर टू का स्क्वायर, फिर यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस टू। अब यहाँ देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगा लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए की जगह पर है आज के दिन एक्स, बी की जगह पर है टू, है ना। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, हर में एक्स माइनस टू है, इससे इसको आप क्या कीजिए, कैंसिल कर लीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू टू, और बच जाएगा आपको लिमिट के आगे में एक्स प्लस टू। अब यहाँ फिर से एक बार आप ट्राई कीजिए, मतलब क्या करना है, ट्राई करते जाना है, करते जाना है, जब तक कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हटा नहीं लेता है। नहीं आई बात समझ में, जब तक ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हटा नहीं लेता है, तब तक आपको करना क्या है, चेक करते जाना है। जैसे मान लीजिए पहले हम यहाँ क्या किए, चेक किए, चेक किए, मतलब इसमें इसको एक्स की जगह पर टू को रखिए, 0/0 को फॉर्म पाया, तो दिमाग में आ गया कि ऊपर नीचे क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड देखिए न्यूमरेटर को भी कर लिए, आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, मतलब अंश को यदि हम गुणनखंड करेंगे था ना, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू आएगा ऐसा करने पर। और देखिए यहाँ पर ऊपर भी एक्स माइनस टू है, नीचे भी एक्स माइनस टू है, तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, एक्स प्लस टू, है ना। अब यहाँ कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, मतलब ये जो अभी अनिधार्य जो हम वर्ड बोले हैं ना, यहाँ पर नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू डाल सकते हैं, मतलब एक्स के जगह पर आप क्या कर सकते हैं, टू डाल सकते हैं, टू और टू क्या आ जाएगा, फोर। अभी ऐसे कंटिन्यूटी पढ़ाने के लिए लिमिट पढ़ा रहे हैं, है ना, तो माइंड नहीं करना है आपको अभी लिमिट, बहुत सारा लिमिट पढ़ने के लिए है। बट ट्वेल्थ में कंटिन्यूटी में इस टाइप का क्वेश्चन का यूज़ होता है, इसीलिए हम जल्दीबाजी में लिमिट को ख़त्म कर रहे हैं ना, ताकि आपको ट्वेल्थ हम अच्छे से पढ़ा, मतलब ये हुआ। अब हम देखिए एक प्रॉपर्टी लिख रहे हैं ना, इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं कि यदि कभी भी आपके जीवन में एफ ऑफ एक्स का लिमिट निकालना रहे एक्स टेंस टू ए पर, है ना, तो आप क्या करें, डायरेक्ट एक्स की जगह पर ए डाल दें। मतलब क्या, मेरा कहने का मतलब एक्स की जगह पर ए डाल देंगे, तब तो यहां पर हम डाल सकते थे ना। जैसे बहुत सारे बच्चों को लग सकता है कि सर आप बोल रहे हैं एक्स की जगह पर डायरेक्ट ए डाल दीजिए, तो यहां पर डालेंगे सर, यहां तो 0/0 के फॉर्म पर आ गया। हाँ, बट एक चीज यहां कंडीशन रहेगा, ऐसा तब करेंगे जब एफ ऑफ एक्स जो होगा ना एक्स इक्वल्स टू ए पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बना रहा होगा। जैसे यहाँ देखिए ये नहीं बना रहा है, जब आप एक्स के जगह पर, यहाँ देखिए इसमें एक्स के जगह पर टू डाले थे तो ये आया था फोर, फोर जो है ना, अभी जो सात को फॉर्म लिखे थे उसमें से किसी पर भी ये नहीं है, है ना, तो इसका मतलब डायरेक्ट यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ये फॉर्मूला जो है ना तब यूज होगा जब एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल्स टू ए, है ना, पॉइंट पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बना रहा होगा, है ना। x इक्वल्स टू ए पॉइंट पर यदि एफ ऑफ एक्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बना रहा होगा, तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू डाल दीजिए। मतलब ये वेरिएबल जो दिख रहा है ना आपको x इक्वल्स टू ए, x टेंस टू ए, आप क्या करें, x के जगह पर डायरेक्ट फंक्शन में ए डाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे x टेंस टू वन पर x प्लस थ्री का लिमिट निकालना है, पहले आप चेक कीजिए क्या वो सात फॉर्म में जो है उसमें से किसी पर भी है, इसको इसमें डालते हैं और बगल में वन, एक्स के जगह पर वन डालेंगे, वन प्लस थ्री ये आ जाएगा फोर। और देखिए आपको जो सात फॉर्म बताए हैं, 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, वन के पावर में इनफाइनाइट, जीरो इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट के पावर में जीरो, जीरो पावर में जीरो, ये सेवन्थ फॉर्म है। और आप देख लीजिए इसमें से किसी भी फॉर्म पर ये नहीं है, इसका मतलब डायरेक्ट वैल्यू डालना है, आइडिया आ जाएगा आपको करते जब रहेंगे तो।
ठीक है ना, कोई इनडिटर्मिनेट यहां नहीं बना रहा था, देयरफॉर यहां पर डायरेक्ट वैल्यू क्या किया हम, चिपका दिए इसका। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। साइन एक्स का लिमिट निकालना है एक्स टेंस टू पाई बाय फोर पर, है ना, एक्स टेंस टू पाई बाय फोर पर साइन एक्स का लिमिट निकालना है, तो क्या करेंगे बताइए। इसमें पहले क्या करना है, एक्स के जगह पर पाई बाय फोर डाल देना है ना। जब आप एक्स के जगह पाई बाय फोर डालेंगे तो आपको पता है ना साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। पाई बाय फोर का मतलब 45 डिग्री ना, तो साइन 45 होता है पाई बाय 1/√2। तो कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू आप यहां पर डाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स के पावर में आ जाएगा 4 − 1/x − 1। अब इसको ट्राई करते हैं, ठीक है ना। इसको कैसे किया जाए, इसको करने के लिए अब आप यहां पर डायरेक्ट, पहले तो आपको यही करना है, ये फॉर्मूला को यूज करना है ना हर एक क्वेश्चन में। कोई जरूरी नहीं है कि मतलब अलग अलग फॉर्मूला हम लगाएंगे हर एक क्वेश्चन, पहले तो आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए क्या ये इस फॉर्मूला पर है, यदि है तो हम यूज कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसमें एक्स की जगह पर 1 रखते हैं, एक्स के जगह पर यदि आप 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1 का पावर 4 − 1, 1 − 1, ये आ जाएगा 0/0। देख लीजिए यहाँ पर ये जो 7 फॉर्म आपको बताए हैं, इस फॉर्म पर आ गया तो आपको रुक जाना है, किसी भी हालत में वैल्यू डालना नहीं है, है ना। तो वैल्यू डालेंगे कब, तो पहले आप इनडिटर्मिनेट को हटा लीजिए ना, एक्स माइनस वन को हटा लीजिए। अब एक्स माइनस वन कैसे हटेगा, यहाँ पर एक मुद्दा ये भी है एक्स माइनस वन को कैसे हटाया जाए। तो आप क्या कर लीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखिए, 1 का स्क्वायर और एक्स माइनस वन, ठीक है। और यहां आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, है ना, ए प्लस बी, ए की जगह पर देखिए एक्स स्क्वायर है और यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और नीचे है एक्स माइनस वन, है ना। फिर से क्या करना है, देख लीजिए यहाँ पर अभी भी x माइनस वन ऊपर में क्रिएट नहीं हो पाया, मतलब नहीं बन पाया ना, तो करना क्या है मेरे को, इसको फिर से एक बार फैक्टराइज कर लेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, है ना। और देखिए बचा क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, है ना। इसमें करना है आपको एक्स के जगह पर 1 पुट कर देना है ना, क्यों क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि अब जब आप एक्स के जगह पर 1 डालेंगे ना तो कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म पर ही नहीं आएगा, क्योंकि इंडिटर्मिनेट तो डिनोमिनेटर बना रहा था ना, ऐसे न्यूमिनेटर ही बना रहा था यहाँ पर, बट मेरे को ये था कि 0 जो है ना डिनोमिनेटर बना रहा है, इसीलिए 0 को हटा दो। दिमाग में आप ऐसे भी ला सकते हैं बात को। अब यहाँ कोई इंडिटर्मिनेट नहीं है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस 1, ये आ जाएगा कितना, 2 और 2 = 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 − 1 + x − 1/x, इसको कैसे बनाया जाए। देखिए यहाँ पर रूट वाले फंक्शन को, है ना, करने का जो तरीका है ना, रेशनलाइजेशन, मतलब इसको रेशनलाइज कर लीजिए, मतलब हर को क्या कीजिए, नहीं अंश को यहां पर क्या कीजिए, परिमेय बना लीजिए, अंश को परिमेय बनाने का मतलब ये रूट वाले चीज अंश में नहीं चलेगा, इसको इसके अंश को कैसे परिमेय संख्या बनाया जाए। जैसे मान लीजिए √2/3 लिखा हुआ है, और यहां पर यदि आपको ये बोला जाए कि अंश को मेरे को परिमेयकरण करना है, मतलब अंश को परिमेय संख्या बनाना है, तो आपको करना क्या है, जो यहां पर है ना उसी से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे √2 है तो √2 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √2 × √2 आ जाएगा 2 और 3√2 आ जाएगा। देख लीजिए हर परिमेय संख्या बन गया कि नहीं, ऐसे रूट वाली चीज किसी भी आदमी को पसंद नहीं आता है ना, किसी भी इंसान को आप ले लो, रूट तो बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कर लेते हैं, हर को अंश को परिमेयकरण कर लेते हैं, यहां आ जाएगा परिमेयकरण, जब आप करेंगे यहां माइनस है ना, प्लस वाले से ऊपर नीचे मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 + √x + 1 / 1 + √x + 1। यहां देखिए a माइनस b इंटू a प्लस b,
का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय हो जाएगा एक्स इंटू वन प्लस रूट एक्स रूट अंडर वन प्लस एक्स प्लस वन, है ना। अब चलिए जब रूट वाले का स्क्वायर करेंगे तो रूट से क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन फ्री हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा वन प्लस एक्स माइनस वन बाय एक्स इंटू वन प्लस रूट एक्स प्लस वन। ये और ये कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कट गया, यहाँ आ जाएगा वन बाय वन प्लस रूट एक्स प्लस वन। अब आपको करना क्या है, एक्स की जगह पर जीरो डाल देना है, कोई इंडिटरमिनेट नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिटरमिनेट तो बना रहा था माइनस वाला ना, और ये एक्स, जब तक ये एक्स नहीं हटता तब तक इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हटता था। एक्स देखिए यहाँ से जब आप यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए तो ये क्या हो गया, इसका रूट फ्री हो गया, इसका रूट फ्री हो गया, वन से वन कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कट गया, है ना। अरे वन वन कटा तो बचा था एक्स, एक्स से एक्स काट, ऐसा नहीं समझिएगा ऊपर जीरो बच गया, ये और ये कट गया तो ये हट गया, तो एक्स बाय रूट अंडर, है ना, एक्स प्लस वन प्लस वन इंटू, देखिए यहाँ पर एक्स है ये, है ना, इस एक्स को इस एक्स से कैंसिल किया तो ये बचा। अब यहाँ कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू डाल देंगे, आ जाएगा वन बाय वन प्लस जीरो प्लस वन, दिस इज वन बाय टू। चलिए एक प्रॉपर्टीज है, है ना, जब पावर इसमें बड़ा बड़ा हो जाए, जैसे यहाँ पर देखिए किए थे x का पावर 4 माइनस वन बाय एक्स माइनस वन, इस फॉर्म के लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना, शॉर्टकट मेथड से। प्रॉपर्टी नंबर टू, एक नंबर का वो था जो पहले हम आपको बताए हैं कि कैसे उसमें क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट रख देते हैं, है ना, फंक्शन लिमिट का वैल्यू। दूसरा है लिमिट x टेंस टू a, है ना, x का पावर n माइनस a का पावर n बाय x माइनस a। देखिए इसका जो वैल्यू होता है ना, मतलब एक चीज इसको याद रखने का तरीका ही है, इसका टोपी दिख रहा है आपको, यदि ऊपर से और इसके इसके ऊपर से यदि आप n को हटा देते हैं तो जो नीचे दिख रहा है वही ऊपर दिख रहा है ना, हाँ, और जब आप इसको इसमें डालेंगे तो ये जीरो बाय जीरो के फॉर्म पर आना चाहिए, जब तक ये जीरो बाय जीरो के फॉर्म पर नहीं रहेगा तब तक इसका फॉर्मूला हम यूज नहीं कर पाएंगे, जो भी हम आपको लिख करके दिखा रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू ए के पावर में n माइनस वन, मतलब n इंटू ए के पावर में n माइनस वन, मतलब शॉर्टकट मेथड से डिफ्रेंशिएट करने का फॉर्मूला है ये। n यहां कोई भी रेशनल नंबर चलेगा, मतलब परिमेय संख्या। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू वन x के पावर में 9 माइनस वन बाय एक्स माइनस वन। अब इसको कैसे करें, सबसे पहले आप फॉर्म चेक कीजिए, कहीं कहीं ऐसा मतलब देखने के लिए मिलेगा आपको, इस फॉर्म पर तो आपको दिखेगा क्वेश्चन बट जीरो बाय जीरो के फॉर्म पर नहीं रहेगा, बच्चा क्या करता है फॉर्मूला लगा देता है वहां पर और गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए यहां पर लगाते हैं, इसको आप लिख सकते हैं यहां ऐसे एक्स के पावर नाइन और वन के पावर नाइन बाय एक्स माइनस वन, और पहले इसको जब इसमें आप रखेंगे तो आ जाएगा वन का पावर नाइन माइनस वन का पावर नाइन वन माइनस वन, है ना, जीरो बाय जीरो, है ना, फॉर्म पर आ गया। तो यहाँ पर आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, एन इंटू एन की जगह पर है नाइन, नाइन इंटू वन के पावर में नाइन माइनस वन, दिस इज वन, है ना, और नाइन इंटू वन हो जाएगा नाइन, तो इस लिमिट का वैल्यू जो है ना कितना आ जाएगा, नाइन के बराबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू टू x के पावर में 5 माइनस 32 और x माइनस टू, इस लिमिट का वैल्यू मेरे को निकालना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो इसको भी आप क्या कीजिए, पहले फॉर्म चेक करते हैं ना, इसको जब इसमें डालेंगे तो आ जाएगा क्या, 2 माइनस टू जीरो हो जाएगा, 2 का पावर 5 होता है 32, है ना, 32 माइनस 32 हो जाएगा जीरो, चलिए सही है, आ गया फॉर्म पर, इसको लिख लीजिए x का पावर 5 और यहाँ पर 2 का पावर 5 x माइनस टू, और यहाँ पर जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आता है n इंटू मतलब 5 इंटू टू के पावर में 5 माइनस वन, 5 इंटू टू के पावर में आ जाएगा 4, ये आता है कितना 16, है ना, 16 पंचे 80, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन और भी अलग तरीका से पूछा जा सकता है, ठीक है। इफ लिमिट x टेंस टू टू x के पावर में n माइनस टू के पावर में n बाय x माइनस टू इक्वल्स टू 80 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन फाइंड n।
मतलब ये हुआ इफ, मतलब यदि होता है ना, यदि इस लिमिट का वैल्यू 80 के बराबर है, ये एंड है, एंड एंड मतलब समझते हैं ना, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब एन यदि प्राकृत संख्या है, मतलब इसके पावर में जो है ना प्राकृत है, तब ये कहना चाह रहा है कि मेरे को ये बताओ एन का क्या वैल्यू लें कि इस लिमिट को हम सॉल्व करेंगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर आपको सोचना है। तो आप एक काम कर लीजिए, और यहाँ इसका फॉर्मूला पहले आप लगा लीजिए, है ना, x का पावर n माइनस टू का पावर n बाय x माइनस टू का फॉर्मूला आ जाएगा ऐसे। जब आप x की जगह पर 2 डालेंगे तो 2 का पावर n माइनस टू का पावर n 0 हो जाएगा, 2 माइनस टू 0 हो जाएगा, 0 बाय 0 के फॉर्म को ये फॉलो कर रहा है, तो इसका आ जाएगा क्या, n इन टू 2 के पावर में n माइनस 1 इक्वल्स टू 80। अब यहाँ देखिए करना क्या है आपको, n का वैल्यू इसको भी क्या कीजिए, इसके टर्म में लिख लीजिए ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 2 का पावर n माइनस 1, इसको भी 2 के बेस में लिखने का प्रयास कीजिए, कुछ ना कुछ बात बनेगा। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ये आ जाएगा 40, फिर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2 का पावर 4 और ये है क्या 5, है ना। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं n इंटू 2 का पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 का पावर 4। अरे आप देख लीजिए ना, ऐसे लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर कंपेयर करने के लिए आता है ना। यहाँ देखिए n है तो यहाँ पर 2 के पावर में n माइनस 1 है, यहाँ 5 है तो 2 के पावर में इससे एक कम है, 4 है, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 5, और 5 नेचुरल नंबर भी है। फिर से एक बार, इस लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है 80 के बराबर और n बोल रहा है नेचुरल नंबर है, तब कह रहा है n का मान ज्ञात करने के लिए, इसका जो भी रिजल्ट आता है ना उसको हम लिख लिए n इंटू 2 का पावर n माइनस 1, चूंकि a की जगह पर है 2, है ना। अब यहाँ क्या कि 16 को फैक्टराइज कर लिया, आप जानते हैं ना 16 85 होता है, ऐसे भी मेरे को ये आइडिया है ना पहले से भी आता है ना, आपको भी आता है, 16 85 ये हो जाएगा 16, 16 का मतलब 2 का पावर 5, और ये दोनों को कंपेयर कर लेना। यहाँ देखिए n इंटू 2 का पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं ना 5 इंटू 2 का पावर 4, यहाँ जो है उससे कम है, यहाँ जो है उससे कम इसके पावर में है, यहाँ 2 यहाँ 2, तो मतलब n इक्वल्स टू 5 ही इसको होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जब तक आप n की जगह 5 नहीं लेंगे तब तक ये दोनों बराबर ही नहीं आएगा, ऐसा आपको ये कब दिखेगा, ये मतलब ये जो है ना ऐसा कब दिखेगा, जब n की जगह आप 5 लेंगे, 5 इंटू 2 के पावर में 5 माइनस 1 4, दिख रहा है ना, एन इक्वल टू 5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, x के पावर में 9 माइनस 1 और x के पावर 7 माइनस 1, और इसके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। इसको कैसे करें, इसमें देखिए अभी जो आपको फॉर्मूला बताए हैं वो फॉर्मूला कुछ हद तक इस प्रकार से था, x का पावर n माइनस a का पावर n बाय x माइनस a, तब हम फॉर्मूला लगाए थे इसका n इंटू a के पावर में n माइनस 1, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, बट जब आप यहाँ फॉर्म चेक कर रहे हैं इसका तो x की जगह पर आप रख रहे हैं 1, तो 1 का पावर 9 माइनस 1 बाय 1 का पावर 7 माइनस 1 0 बाय 0 तो आ गया, बट ये फॉर्मूला पर नहीं है। तो देखिए फॉर्मूला पर ये कब आएगा, ये बात आपको दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर जब आप इसके टोपी को हटाते हैं ना, तो देखिए जो नीचे है वही आपको ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर x माइनस 1 है तो यहाँ पर भी टोपी को हटाने पर x माइनस 1 मेरे को दिख रहा है ना। देयरफोर आप एक काम कर लीजिए ना, जब यहाँ पर चलिए इसको उतारते हैं नीचे एक बार फिर से ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, लिमिट x टेंस टू 1 इसको लिख सकते हैं क्या, x का पावर 9 माइनस 1 का पावर 9 बाय x का पावर 7 माइनस 1 का पावर 7, चूंकि 1 को 9 बार मल्टीप्लाई करने पर भी 1 ही आएगा और 1 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर भी 1 ही आएगा, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इसको क्या चाहिए, यदि आप टोपी हटाएंगे तो x माइनस 1 चाहिए x के पावर 9 माइनस 1 के पावर 9 के नीचे में, तो क्या कर लेते हैं यहाँ पर डिवाइड लगा देते हैं x माइनस 1 से, ये सब तो आप कर सकते हैं आसानी से, और इसको बैलेंस करने के लिए x माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि जिस नंबर से हम डिवाइड लगाएंगे उस नंबर से मल्टीप्लाई यदि कर देते हैं तो इसमें इसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, है ना, चूंकि ये तो 1 है, इसको इसको जब भी आप काटने का मन करेगा तो आप काट सकते हैं,
वही काम आप यहां भी कर लीजिए, एक्स माइनस वन के पावर में सेवन। इसके नीचे भी यदि इसके टोपी को हटाते हैं तो एक्स माइनस वन मेरे को चाहिए, एक्स माइनस वन जो चाहिए वो यहां ले लेते हैं, है ना, और इसको बैलेंस करने के लिए एक्स माइनस वन से डिवाइड लगा लेते हैं, ये और ये कट गया। या तो आप एक काम कर सकते थे, इसमें भी एक्स माइनस वन से डिवाइड लगा लेते, इसमें भी डिवाइड लगा, ज्यादा नहीं आपको चमकता हो सकता है, बट इसमें ज्यादा दिखेगा कि इसको फॉर्मूला पर लाने के लिए मेरे को कितना मेहनत करना पड़ा। इसमें डिवाइड लगाए, उसी से मल्टीप्लाई की, ये बात का प्रतीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी इसको भी फॉर्मूला पलाने के लिए जो है ना यहाँ पड़े वही नीचे होना चाहिए, यदि हम पावर को हटा देते हैं तो उतना से बैलेंस कर लेंगे। अब दिखेगा आपको, देखिए किस प्रकार से x का पावर 9 माइनस वन का पावर 9 बाय x माइनस वन बाय x का पावर 7 माइनस वन का पावर 7 बाय x माइनस वन, हाँ है ना। अब आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ देखिए ये सब चीज़ तो कॉमन है बार बार, उतना हजार वो रिजल्ट लिखाने से बढ़िया है कि हम क्वेश्चन में ही आपको ये फील दिला दें कि फॉर्मूला कहीं से कोई इंसान ही बनाया है ना, मेरे जैसा इंसान ही फॉर्मूला बनाया है। बट यदि फॉर्मूला नहीं रहता तो हम कैसे सोचते क्वेश्चन के ऊपर, है ना। एक बात ये भी यहाँ पर मैटर करता है, आप ऐसे सोचो इसका लिमिट निकालना है, मेरे को दोनों का लिमिटिंग वैल्यू ही निकालना है ना, इसका भी लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, इसका भी लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, तो हम दोनों तरफ लिमिट ले सकते हैं। लिमिट का मतलब क्या, आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो देगा नहीं, ये देगा लिमिटिंग वैल्यू, मतलब इसका भी लिमिट निकालना है, इसका भी लिमिट निकालना है, दोनों का अलग अलग हम लिमिट निकाल लेंगे। चलिए मान लिए कि हम दोनों का अलग अलग लिमिट निकाल लिए, इसका मतलब इस पर भी लिमिट लग जाएगा, इस पर भी लग जाएगा, हम लगा दिए, है ना। ऐसा मान लेते हैं कि इस पर भी लिमिट लगा हुआ, इस पर भी लिमिट लगा हुआ, एक्स टेंस टू वन पर। अब मेरे को फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला, यही जो यहाँ पर हम लगाए हैं, x का पावर n माइनस ए का पावर n बाय x माइनस ए वाला जो यहाँ पर लगाए हैं वही लगाना है आपको। जब आप यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला इसका, है ना, तो आ जाएगा 9 इंटू वन के पावर में 8, चूँकि n माइनस वन होता है ना, और यहाँ चलिए 7 इंटू वन के पावर में 6। नहीं याद आ रही है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, अभी जस्ट ऐसे बगल में हम लिखे थे, एक जगह पर यहाँ वन है, इसमें से एक कम करेंगे तो वन के पावर में एट आ जाएगा, और वन का पावर एट मतलब वन ही है ना। चलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये आ जाएगा 9/7। एक क्वेश्चन और, उसके बाद आज इस लेक्चर को यहीं पर हम रोक देंगे, है ना, फिर अगले लेक्चर में यहाँ से आगे। क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू वन, एक्स के पावर में 9+1 बाय एक्स प्लस वन। अब देखिए बच्चा जैसे ही इस क्वेश्चन को देखेगा, है ना, टूट पड़ेगा इसके ऊपर, क्यों, फॉर्मूला लगा लेगा ना। आप भी अभी सोच रहे होगे, है ना, कि इसमें चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ, एक बार आप ट्राई करना इसको। ऑप्शन नंबर एक है, इसका आंसर आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर आ जाएगा 1, है ना। ऑप्शन नंबर सी है, इसका आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर आ जाएगा नॉन ऑफ दीज। आपको वीडियो को रोकना है पहले और इसको पहले बनाना है ना, ऐसे हम कर देते हैं अभी, बट आप इसको कीजिएगा, इतना बराबर क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे को लगता है कि यहाँ पर भी इसको ऐसे लिख दिया जाए, चलिए पहले हम रॉन्ग मेथड से इस क्वेश्चन को लेते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये मेथड आया होगा सबसे पहले। चलो वन को लिख देते हैं, एक्स वन के पावर में 9। आपको तो लगेगा, यहाँ पर किसी भी आदमी को लग सकता है, मेरे को भी लगता है, यदि हम आपके जैसे स्टूडेंट होते तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ जो एक्स प्लस वन यहाँ पर आपको है वही यहाँ है ना, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर लगा दो ये फॉर्मूला, एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन बाय एक्स माइनस ए, इसका फॉर्मूला होता है, लिमिटिंग फॉर्मूला है ना, एन इंटू ए का एन का ए का पावर एन माइनस वन, लिमिट यहाँ रहेगा, ये आ सकता है, तो आप यहाँ लगा लो, क्या दिक्कत है। 9 इंटू वन के पावर में 8, आंसर आ जाएगा 9, मतलब आंसर ये सही, बट हम यहाँ पर लिखें रॉन्ग मेथड है। रॉन्ग मेथड ये है कि आप चले बनाने के लिए ना, देखिए इस ऐसा रूप है, जो ऊपर है वही नीचे है ना, तो फॉर्मूला लगा दो यार, बहुत गलत है। अभी जिस तरह बोले थे ना, सबसे पहले आप फॉर्म चेक करो, जब तक 0/0 के फॉर्म पर नहीं आ गए तब तक ये फॉर्मूला लगाएंगे ही नहीं। नहीं आई बात समझ में, 0/0 के फॉर्म पे जब तक नहीं आएगा तब तक ये फॉर्मूला लगाएंगे ही नहीं। चलो इसमें एक बार ट्राई करते हैं, इसमें रखते हैं 1 का पावर 9+1, अरे ये तो 0/0 आ ही नहीं रहा है, 1 का पावर 9+1 बाय 1+1 तो आ जाएगा 2/2, ये तो आ गया 1,
ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बना ही नहीं रहा है ना। हाँ, सो आप दिमाग में बैठा के रखिएगा ये बात कि फॉर्मूला कहीं भी यूज नहीं कर देंगे, जब तक 0/0 के फॉर्म पर नहीं आ जाएगा तब तक फॉर्मूला यूज ही नहीं होगा। मतलब ये है गलत, मतलब ऑप्शन ए सही नहीं होगा। तो अब ऑप्शन अगला ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे, तो करेक्ट मेथड देखते हैं। करेक्ट मेथड ये है कि सबसे पहले आप लिमिट का फॉर्म चेक कीजिए पक्का, है ना। जब तक फॉर्म नहीं चेक करेंगे तब तक आगे बढ़ना महापाप है ना। तो याद रखिएगा इसमें x की जगह पर एक बार 1 डालते हैं तो 1+1। पहले सबसे पहले नीचे देखना चाहिए मेरे को, एक बार नीचे देखिए, नीचे देख लेते हैं। तो यहां नीचे है 1, x है, x प्लस 1 है। x की जगह पर यदि हम 1 डालेंगे तो क्या लगता है आपको, 1+1 हो जाएगा 2, कभी 0 देगा क्या? जब तक नीचे 0 नहीं रहे ना तब तक आपको सोचना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे आ सकता है। नहीं है 0, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे 1 का पावर 9 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, 2/2 कट करके आ जाएगा 1। मतलब सही आंसर जो है ना ये है। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यही खत्म करते हैं। अगला लेक्चर में अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट लेकर के आएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय।